हाय एवरीवन, एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि मैं कल एक राइड पे जा रहा हूँ जो कि है चोपटा के लिए। मेरे पास एक टैंक बैग है और एक टेल बैग है। टेल बैग मेरा वाया टेरा का है और जो टैंक बैग है वो मेरा है राइनॉक्स का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि ट्रैकिंग भी करनी है और वहाँ का टेम्परेचर इस समय -2 है, तो मेरे को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जो मुझे ट्रैक पर काम आएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग पोल है या डाउन जैकेट है, जो कि नॉर्मली मुझे चोपटा तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुंगनाथ के लिए जो ट्रैकिंग है वो 2 दिन की है सिर्फ, और लेकिन सामान काफ़ी लगेगा उसमें। तो अब मुझे एक ज़रूरत पड़ गई थी एक प्रॉपर सैडल बैग की, जिसमें मैं अपने नॉर्मल एक सैडल बैग लगा करके चल सकूँ और एक टेल बैग लगा लूँगा तो मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो मेरे पास इसके लिए 2 ऑप्शन थे कि मैं नॉर्मल वो रेक्टेंगुलर शेप का एक सैडल बैग लूँ या छोटा सा जो अप स्वेप्ट थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में होता है। अब जैसा आपको पता ही कि मेरे पास जो मैं यूजली मैं बाइक चलाना प्रेफर करता हूँ वो है मेरी यजदी एडवेंचर। उसका जो साइलेंसर वो थोड़ा अप स्वेप्ट है। अप स्वेप्ट के लिए क्या होता है कि अगर आप रेक्टेंगुलर शेप का अगर आप सैडल बैग लेंगे तो वो साइलेंसर के धुएं से या साइलेंसर की जो गर्मी आएगी उससे डैमेज होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो मैंने फिर काफ़ी रिसर्च करके ये एक सैडल बैग अभी मैंने अमेजन से मंगाया है जो कि राइनॉक्स का है और ये नोमैड सीरीज का है। तो ये बेसिकली ये पेयर में ही आता है। और अगर आप इसका शेप देखें तो जो मैं बता रहा था, अगर ये एक साइड में सपोज लगा हुआ है और आपका जो जो आपका साइलेंसर अगर वो अपस्वेप्ट है लाइक जैसे एडवेंचर बाइक्स में होता है तो वो इसको डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप पर लेता तो वो काफ़ी तकलीफ होती है, वो एडवेंचर बाइक में थोड़ा सा उसके साथ प्रॉब्लम आता है। तो ये मैंने लिया, मुझे तकरीबन ये 5,500 का पड़ा है पेयर। इसकी जो वॉल्यूम है इंडिविजुअली एक साइड की ये 25 लीटर है। अनएक्सपेंडेड फॉर्म में ये तकरीबन दोनों मिला के 50 लीटर है। और दोनों को अगर मैं चेन से एक्सपेंड कर दूँ जो यहाँ से एक्सपेंड हो जाता है ये, तो ये तकरीबन 64 लीटर का हो जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि ये बड़ा लाइट वेट है और इससे ये अपना शेप रिटेन करता है। इसमें मतलब अगर आप इसको देखें तो ये नॉर्मल जैसे डफल बैग होते हैं उस तरह ये अपना शेप लूज नहीं करता है। तो ये कैसे अच्छी चीज़ है, साइड में इट लुक्स वेरी नाइस। इसमें ये आपका इस तरीके से लगेगा ये, तो ये हिस्सा फ्रंट में जाएगा और ये हिस्सा बैक में रहेगा पीछे साइड में। तो यहाँ पर आप बॉटल रख सकते हैं। इसमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये आप इजी एक्सेस है। अगर आप इसमें देखें ये जो ऊपर की चेन है इसको आप बगैर बैग को ज्यादा टच किए आप ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी चीज आपको सामान अगर निकालना रखना है तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, ये 1680D पॉलीमर का बना हुआ है विच इज वेरी वेरी स्टर्डी। और इसका जो बेस है वो पी मटेरियल है विच इज अगेन वेरी स्टडी। सो अगर आप इसके अंदर कोई हैवी सामान रखेंगे तो भी ये सैग नहीं करेगा। और इसमें जितनी भी आपकी जो ये जो बकल्स हैं, जो जो रिंग्स हैं, डी रिंग्स वगैरह और जितनी भी चेन है वो सारी की सारी YKK की हैं। सो क्वालिटी बहुत अच्छी, और राइनॉक्स वैसे भी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो कल की राइड में मैं इसको यूज करने वाला हूँ। और अभी तो खाली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, मुझे खुद नहीं पता ये कैसा बिहेव करेगा ड्यूरिंग द जर्नी। तो एक साइड की जर्नी तकरीबन हमारी 400 किलोमीटर होगी और आना जाना 800 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पता लग जाएगा कि ये बैग कैसा है। और इसका मैं एक बार जब जर्नी से वापस आऊँगा तो आपको मैं यूज़र रिव्यू भी दूंगा कि इस बैग से मुझे क्या क्या अच्छा लगा प्रैक्टिकली। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो भी बताई ये सारी थ्योरेटिकल बातें थी, प्रैक्टिकली ये बैग कैसा है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुराई है, ये मैं जब वापस आऊँगा तो एक इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो कल का प्लान ये है कि ये राइनॉक्स के मैं सैडल बैग लेके जाऊंगा और राइनॉक्स का ही मैं टैंक बैग लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो एज ए बैग पैक की तरह भी वो यूज़ हो जाता है। तो पहाड़ पे जब मैं चढ़ूंगा ट्रैकिंग करूंगा तो मेरे जो उस समय की जो ज़रूरतें होंगी कपड़े वगैरह की वो सारी उसके अंदर आ जाएंगी एज ए बैग पैक। तो एक अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं ये नोमैड सीरीज का जो राइनॉक्स का सैडल बैग है मैं इसको गिव अवे करूंगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को देखना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और भी लोगों से सब्सक्राइब कराना है, और मुझे एक मैसेज करना है स्क्रीनशॉट के साथ में, जो मेरे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो कि नीचे आ रही होगी,
या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, जो कि नीचे आपको मिल रही होगी। और जैसे ही 10,000 होंगे सब्सक्राइबर हिट होंगे, किसी एक लकी विनर को ये राइनॉक्स का नोमैड सीरीज का सैडल बैग मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज वियर हेलमेट व्हेनेवर यू आर राइडिंग।